हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज शनिवार है, आप सभी को पता है कि जो भी सब्सक्राइबर जो मेरे सब्सक्राइबर वो अच्छे से जानते हैं कि मेरे चैनल के किसी भी वीडियो पे जो कमेंट करते हैं तो शनिवार को मैं एक वीडियो बनाता हूं जिनमें से किन्हीं तीन चैनल्स के बारे में पूरा डीप देखता हूं कि क्या कमी कर रहे हैं, क्या अच्छाइयां कर रहे हैं, किस तरीके से उनको काम करना चाहिए। भाई होता क्या है ना, खुद को हमेशा अच्छा ही सब कुछ लगता है। जब हम अपने चैनल पर काम करते हैं तो हमको लगता है हमारा वीडियो भी सही है, हमारा टाइटल भी सही है, हमारा डिस्क्रिप्शन भी सही है। तो भाई ऐसे तो होता नहीं, क्योंकि हमको तो अपनी चीज़ हमेशा अच्छी लगती है। तो कोई तो मीडियम होना चाहिए ना जो आपको बताए कि भाई हाँ आप यहाँ पर गलती कर रहे हो। तो वो मीडियम आपके सामने खड़ा हुआ है, मतलब बैठा हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके की गलतियाँ कर रहे हो। तो भाई आप लोगों ने जो मेरे चैनल पर कमेंट किया है, उस कमेंट के थ्रू मैं आपके चैनल पर जाऊँगा और देखूंगा कि आपने क्या कमियाँ की हैं। तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा नॉलेजबल होने वाला है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर और देखिए कि मैं किन चैनल के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए पहले मैं अपना YouTube खोल लेता हूं और अपना चैनल ओपन कर लेता हूं। ये मेरा चैनल ओपन हो गया है। तो अभी एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है और मैं पीछे की कुछ वीडियोस को चेक करता हूं। ये वाली वीडियो मैं देखता हूं, 0 सब्सक्राइबर। अरे भाई साहब, कॉपीराइट ना आ जाए। चलिए मैं इसके कमेंट पे जाता हूं और सबसे पहले मैं, बहुत सारे लोगों ने मोहित प्यारे व्लॉग्स जी के चैनल पर जाने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक ठीक चलिए भाई मोहित जी, आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। मोहित जी आपका चैनल खुल चुका है और आपके चैनल को मैं देखने वाला हूँ कि आप किस तरीके की कमियाँ या फिर अच्छाइयाँ कर रहे हैं। तो आपका व्लॉग का चैनल है, ठीक है, बढ़िया है। मोहित प्यारे व्लॉग्स, ठीक है, नाम अच्छा है, यूनिक है, आपके नाम के ऊपर है। और 4 दिन पहले आपने वीडियो डाला है, उसके बाद 11 दिन पहले, 13 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले। तो सबसे पहले तो मोहित जी आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि व्लॉग्स के जो चैनल होते हैं ना उनको रेगुलर वीडियो डालना पड़ता है। आप जितने भी व्लॉगर को देखिए लगभग वो रेगुलर ही वीडियो डालते हैं, और अगर कभी वीडियो नहीं डालते तो अपने कम्युनिटी में शेयर कर देते हैं कि भाई इस प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपकी कमी ये है कि आप रेगुलर काम नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ से। मुझे पता है कि आप काफ़ी छोटी एज के हैं, ठीक है, आई थिंक आप अभी पढ़ाई ही कर रहे होंगे, स्टूडेंट होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप यूट्यूब पर आए हैं और आपको सक्सेस होना है तो भाई देखिए रेगुलर काम करना पड़ेगा। अपनी लाइफ से थोड़ा सा समय निकालिए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को पूरी तरीके से बर्बाद कर लीजिए, पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप पढ़ाई ही नहीं करेंगे तो चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ अगर आप YouTube पर आए हैं और चाहते हैं कि हम सक्सेस हो जाएं तो यहाँ पर भी भाई समय देना पड़ेगा। ठीक है, भले ही आप रोज नहीं डाल सकते, कम से कम 2 दिन में तो डाल ही सकते हैं ना, है ना। वैसे तो व्लॉगिंग के जो चैनल्स होते हैं उनको रोज वीडियो डालना चाहिए। बाकी थंबनेल आप अच्छा खासा काम कर रहे हैं, क्योंकि जो थंबनेल मैंने आपका अभी ये देखा जिसमें लिखा हुआ है लड़की ने कहा मेरे वीडियो नहीं बनाओ अच्छा आपने इसमें जो गोला किया है ना, ये थोड़ा अट्रैक्टिव है, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। तो थंबनेल आप ठीक है, लेकिन अभी थंबनेल और सुधारे जा सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, थंबनेल और सुधारिए। और अभी तक आपने टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दोस्त अभी आपने सिर्फ 8 वीडियो डाले हैं, है ना, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपने चैनल कब ओपन किया था? 29 दिसंबर 2022, 1 महीना पहले आपने वीडियो डाला, उसके बाद आप खुद सोचिए कि आपने 8 ही वीडियो सिर्फ डाले ना, तो ऐसा नहीं करना है। अगर देखो यूट्यूब पर सक्सेस होना है तो सही से काम करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सोचे कि हम 1-2 वीडियो डाल देंगे और हमारे वीडियो वायरल हो जाएंगे। मैं आपके वीडियो को खोलता हूँ, देखता हूँ कि आप कैसा सब कुछ कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। और अभी शाम का समय हो रहा है। कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा है, जिस तरीके से आप मार्केट में बोल रहे हो ना भाई साहब, इस तरीके से मतलब ये तो मैं आपका थोड़ी सी आवाज़ सुनकर के जान गया कि आप पब्लिक को अपने वीडियो पर रोक सकते हो। मतलब आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि पब्लिक को आप रोक सकते हो, क्योंकि देखो यूट्यूबर के अंदर ये क्वालिटी होनी जरूरी है कि वो अपनी वॉइस के थ्रू पब्लिक को रोक करके रखे, तो वो क्वालिटी आपके अंदर है। दोस्तों मैं अभी बाजार में आया हुआ हूँ और आप लोग देख सकते हो इधर, और आपके अंदर कोई वो नहीं है, मतलब जैसे लोग घबराते हैं ना मार्केट में वीडियो बनाने वगैरह में, तो ये आपके अंदर नहीं थी, बहुत अच्छी चीज़ है, आपके अंदर क्वालिटी है। डिस्क्रिप्शन में काम करिए, आपने डिस्क्रिप्शन में काम नहीं किया। ठीक है,
छोटे छोटे आपने चीज़ों को इसमें अप्लाई किया है, तो अभी डिस्क्रिप्शन आपने सही नहीं किया। मैं आपको सिखाऊंगा, एक मैं वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं सभी को सिखाऊंगा डिस्क्रिप्शन लिखते कैसे हैं, है ना। क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूबर्स एक गलती और करते हैं, वो क्या करते हैं कि दूसरे के डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके वही डिस्क्रिप्शन अपने में डालते हैं और सारे वीडियो में वही अप्लाई करने लगते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए, सही तरीका क्या होता है डिस्क्रिप्शन लिखने का, ठीक है। तो वो वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा आने वाले समय में, तो चैनल पे एक्टिव रहिए भाई, बहुत कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ आपको। तो मोहित जी, आपको अपने डिस्क्रिप्शन में काम करना पड़ेगा। बाकी अभी मैं आपके टैग वगैरह देखता हूँ कि टैग आप कैसे डालते हैं, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छे, पब्लिक में व्लॉग, ठीक है मोहित प्यारे, व्लॉग बढ़िया है, व्लॉग्स व्लॉग्स वीडियो, ठीक है। थोड़ा सा एक काम आपको और करना है, आपके टैग ठीक है, अच्छे से आप टैग डाल रहे हो, लेकिन आप अगर चाहो तो और अच्छे अच्छे टैग्स को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो टैग पे भी आपको काम करना है, मैं आपको सिखाऊंगा वीडियो बना करके कि टैग कैसे डालते हैं। कोई भी टॉपिक पर वीडियो अगर होता है तो उसमें टैग किस तरीके से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस विषय पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उस पर आप देखिएगा। तो ठीक है, काफ़ी आप अच्छा है आपका काम, और मेन चीज़ तो होती है, देखिए टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग सब पीछे हो जाता है जब आपके अंदर टैलेंट होता है। और मोहित जी, आपके अंदर टैलेंट है, आप पब्लिक को अपने वीडियो पे रोक सकते हो। एक मैं वीडियो आपका और चला के देखता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो, और मैं अभी आया हुआ हूँ पुल के पास घूमने के लिए। हाँ, तो दोस्तों अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और आप लोग बढ़िया है भाई, बढ़िया है। जिस तरीके से आपने सिर्फ 8 वीडियो बनाए हैं और इन 8 वीडियो में जो आपका कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना भाई, नेक्स्ट लेवल है। अगर आप 100-150 वीडियो बना लिए ना तो भाई साहब कसम से फाड़ के रख दोगे, बिलीव कर लीजिए, फाड़ के रख दोगे, याद रखना। क्योंकि आपके वीडियो में मैंने एक खासियत क्या देखी, ज्यादातर जो व्लॉगर्स हैं जो वीडियो बनाते हैं वो किसी ना किसी व्लॉगर की तरीके बोलना चालू कर देते हैं, ज्यादातर तो सौरभ जोशी इस समय बने हुए हैं। ज्यादातर आप अगर देखेंगे ना यूट्यूब पे, जो भी जिनके व्यूज कम हैं तो वो ज्यादातर सौरभ जोशी बन चुके हैं, उनके बोलने का तरीका सब कुछ सौरभ जोशी के तरीके हैं। तो आपका यूनिक तरीका है, आपका अपना खुद का तरीका, आपने किसी को कॉपी नहीं किया है, तो ये एक अच्छी चीज है। एक वीडियो में आपका और देखना चाहूंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। दोस्तों मेरा नाम मोहित कुमार है और आज है 5 जनवरी 2000। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया मोहित भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बस आपको थोड़ा टाइटल डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ टैग में खेल खेलना है, ठीक है। कैसे खेलना है मैं सिखाऊंगा, कैसे अच्छी तरीके से खेल सकते हैं खेल, ठीक है। तो आपका काफ़ी अच्छा रहा, और मोहित जी काम करिए लगातार, हो सकता है कि आप इतना आगे निकल जाए ना कि लोग देखते रह जाएंगे, ठीक है। तो आप काम करिए, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, लेकिन रेगुलर नहीं कर रहे, ठीक है। तो आई होप मोहित जी आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके की कमियां कर रहे हैं जो अब आपको आगे से नहीं करनी, ठीक है। बाकी आगे भी मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके की आप कमियां कर रहे हो या सही तरीके से काम कर रहे हो, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूं दूसरे चैनल पे, मेरे चैनल पे जिन्होंने भी कमेंट किया है, जो भी मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं उनमें से किसी दूसरे कमेंट के पास चलते हैं और उसके थ्रू उनके चैनल पे जाते हैं और देखते हैं कि वो कैसा काम कर रहे हैं। चलिए भाई साहब, तो एक काम ही कर लेते हैं, कल का वीडियो खोलते हैं, देखते हो कि आप। और भाई क्या दिक्कत है यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे होगा चैनल को, जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं यार, कमेंट कमेंट कर दिया करो अगर वीडियो पसंद आया करे, ठीक है। और अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो नया व्यूवर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, काफ़ी मेहनत आप सभी के लिए कर रहा हूँ, चीज़ें सिखा रहा हूँ। मेरा एक शॉर्ट्स का चैनल था, काफ़ी वायरल चैनल, लेकिन डिलीट हो गया। अभी मेरा एक चैनल और भी है जिसमें लगभग 16,000-17,000 के अंदर लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी वहाँ पर लोग मुझे प्यार भी करते हैं। और ये चैनल मैंने सिर्फ आप ही के लिए खोला है ताकि मैं आपकी अच्छी तरीके से हेल्प कर सकूँ। तो भाई सपोर्ट तो भाई को करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट कमेंट कर दिया करो यार। अब मैं उठाता हूँ आशीष एग्जामिनर भाई को, आशीष एग्जामिनर, बहुत अच्छे एग्जामिनर भाई, आपके 13 वीडियो आपने डाले हैं और 30 सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छा। 5 दिन आपने वीडियो डाला है, 1 दिन पहले और 5 दिन पहले और 6 दिन पहले, 7 दिन पहले आप वीडियो, पहले मैं देखता हूँ कितने वीडियो टोटल आपके हैं, 13 वीडियो, ठीक है। तो भाई एग्जामिनर जी, क्या नाम है आपके चैनल का, आशीष एग्जामिनर,
आशीष एग्जामिनर जी, आपको क्या करना है ना, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी है, ठीक है? क्योंकि आज की डेट पर देखो बहुत कंपटीशन हो गया है। वो जमाना अलग था 2016-17 का, ठीक है? उस समय पर ज़्यादा मतलब कि क्रिएटर्स नहीं थे, बात समझ रहे हो ना? अब बहुत क्रिएटर्स हैं, कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा अपलोड हो रहा है। तो अगर आप कॉन्टेंट कम अपलोड करोगे ना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्वालिटी कॉन्टेंट में क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी भी जरूरी है, साथ ही साथ क्वांटिटी भी जरूरी है, ठीक है? अब ये अलग अलग चैनल के कैटेगरी के हिसाब से ये चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है? आपका जो चैनल है वो स्टडी से रिलेटेड है, और जो स्टडी से रिलेटेड चैनल्स होते हैं उनमें कंटेंट रोज अपलोड होता है, तो ये गलती आप प्लीज़ मत करें और रेगुलर काम करें। बाकी मैं आपके देखता हूँ आप किस तरीके से छंद सोरठा वगैरह आपने डाला है, अलंकार छंद वगैरह। देखिए अब आप डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखे ही नहीं है, ये देखिए गलती कर रहे हैं। अब देखिए वीडियो तो आप लगातार डाल रहे हैं, बीच बीच में तो कुछ गैपिंग हुई है, उस गैपिंग को सही कर लीजिए, लेकिन डिस्क्रिप्शन आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा, कैसे वीडियो वायरल होंगे, रैंक कैसे करेंगे वीडियो, दूसरे वीडियो के चैनल पे कैसे सजेस्ट करेंगे वीडियो, आप बताइए। जो बड़े वीडियोज हैं जिनमें ज्यादा व्यूज आए हैं उनके नीचे अगर आपके वीडियो को रिकमेंड करवाना है यूट्यूब को, उसको कैसे पता चलेगा कि आप किस टाइटल पर या किस पर्टिकुलर सेंटेंस पर अपने वीडियो को क्या कराना चाहते हैं, रैंक कराना चाहते हैं? तो भाई YouTube को जानकारी देनी पड़ेगी ना। देखो अगर आपको किसी काम को किसी से करवाना है तो आपको उसको बताना पड़ेगा ना कि भैया मेरा ये काम कर दीजिए, तब जाकर के वो आपका वो काम कर सकता है। अब आप उसको बताओगे ही नहीं, आपसे बोलोगे सुनो यार काम कर दो, भाई काम कर दो यार, भाई काम कर दो, वो पगला जाएगा, वो सोचेगा कौन सा काम कराना चाहता है। उसी तरह यूट्यूब भी है, यूट्यूब को बताना पड़ता है कि हमारे वीडियो को आपको किन वीडियो के नीचे सजेस्ट करवाना है। इसके लिए आपको अच्छे से टैग डालना पड़ता है, अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। तो अब आपने यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन लिखा ही नहीं है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है? तो पहली गलती तो आप ये सुधार लीजिए। उसके बाद अब मैं चलता हूँ आपके टैग देखता हूँ, आपने टैग में क्या काम किया है, ठीक है? टैग आपने डाला है, अब देखो आपका जो टॉपिक है भाई साहब वो सोरठा से रिलेटेड है, ठीक है ना, छंद से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपके जो टैग है ना वो सोरठा और छंद से रिलेटेड सिर्फ एक ही है, बाकी आपने इधर उधर के जितने भी टैग डाले हैं, गलती है ना। अब एक बात आप बताइए कि आपका वीडियो किसी और टॉपिक से, टॉपिक आप यहाँ पर टैग में कुछ और ही डाल रहे हो, कैसे काम चलेगा यार, है? सही तरीके से काम करो यार मोहित भाई, ऐसे नहीं चल पाएगा, ऐसे नहीं चलेगा काम, सही तरीके से काम करना पड़ेगा। टैग कुछ और ही डाल रहे हो, हद हो गई। देखो एक बात ध्यान से सुन लो भाई, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, याद रखिएगा। आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, एज अ प्रोफेशन मैं एक टीचर हूं, ठीक है? तो एज अ टीचर मैं आपको डांटूंगा भी, तो इस बात का बुरा मत मानिएगा, साफ सी बात बताता हूं। गलती करोगे डांटूंगा, और कहीं मिलोगे तो कूटूंगा भी, साफ सी बात है, याद रखिएगा। गलतियां मत करिए बिल्कुल भी। अभी मैं देखता हूँ आपका 2-3 दिन पहले आपने जो वीडियो डाला है महादेवी वर्मा जी के ऊपर, देखिए आप भी बोल अच्छा रहे, बिना रुके बोल रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होते हैं रुक रुक के बोलते हैं, तो आप बिना रुके बोल रहे हैं, ये अच्छी चीज लगी। तो चलिए बिना देर कीजिए शुरू करते हैं हिंदी सर, ठीक है? आपकी आवाज भी काफी मोटी है, जो की काफी इंगेजिंग आवाज होती है, ठीक है? बाकी इसमें भी देखता हूँ, देखो डिस्क्रिप्शन इसमें भी नहीं लिखे हो यार, ये चीज ना करो मोहित भाई, ठीक है? इसमें भी देखता हूँ कि आपने टैग कैसे यूज किए हैं। महादेवी वर्मा, ठीक है, इसमें तुमने किया है काफी ज्यादा टैग अच्छे, ठीक है? लेकिन और टैग ढूंढो, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा कैसे टैग, मैंने बताया ना कि मैं वीडियो अपलोड करूंगा जिससे आपको पता चलेगा अच्छे टैग कैसे ढूंढे, कैसे डालें अपने वीडियो पे। तो ठीक है आशीष जी, शॉर्ट्स मत डालो यार, क्या कर रहे हो, उसी में लॉन्ग उसी में शॉर्ट सब कुछ घुसेड़े दे रहे हो, ऐसा मत करो। एक देखो अलग, अगर आपको शॉर्ट बनाना है एक अलग चैनल बना लो, क्या दिक्कत है? 2 सेकंड लगता है यार एक चैनल को लॉग इन करने में, है ना? तो क्या मतलब एक ही चैनल में सब शीशा लेदर करे पड़े हो? जब आपका चैनल बड़ा हो जाए तब आप कुछ भी शीशा लेदर करो, हर कुछ चलेगा, याद रखना। शुरुआत में शीशा लेदर करोगे ना कुछ भी नहीं चलने वाला, बर्बाद हो जाएगा सब सिस्टम। अब पता चला आपका शॉर्ट वीडियो कोई निकल गया, सब्सक्राइबर ज्यादा आ गए, अब आप लॉन्ग डालोगे मेहनत करोगे बेफजूल में, और व्यूज उसमें आएगा नहीं। तो ये अलग सिस्टम होता है थोड़ा सा शॉर्ट्स और लॉन्ग का, ठीक है? तो एक साथ ना घुसेड़ो चीजें। बाकी भाई एक काम और करिए, अपना अबाउट सेक्शन जो है ना थोड़ा सही करिए आप, अबाउट सेक्शन अभी उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा हो सकता है। बाकी ठीक है आशीष जी, रेगुलर काम करिए, काफ़ी अच्छी है आपकी आवाज़, काफ़ी अच्छा है आपका कंटेंट, ठीक है? आप आगे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से काम करना पड़ेगा, ठीक है?
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं और किस तरीके से उन गलतियों को सुधारेंगे। तो चलिए दोस्तों तीसरे चैनल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी गलतियां कर रहे हैं या फिर हो सकता है वो सही तरीके से काम कर रहे हो। चलिए देखते हैं। ठीक है, अभी मैं वेरीफाई वाले वीडियो पर अपने चलता हूँ। सॉरी, मैं डिस्क्रिप्शन देख रहा हूँ, कमेंट्स में चलता हूँ। ठीक है, ये चैनल का नाम है SR आदिवास MP46। सबसे पहले तो सर प्लीज़ अपने चैनल का नाम थोड़ा सा बदलिए। ठीक है, चैनल का नाम देखो ऐसा होना चाहिए, मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ, जो नाम एक बार बोलने में तुरंत आ जाए, उसको पढ़ने में एफर्ट ना लगे। अब आप एक बात बताइए, गूगल असिस्टेंट जैसी चीज़ें क्यों बनी है पता है? ताकि किसी को ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। तो एफर्ट लगाना देखो आज के समय में किसी को पसंद नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका चैनल का नाम कुछ ऐसा है जिसमें एफर्ट लगाना पड़ रहा है तो आप कहीं ना कहीं अपने चैनल को नीचे लेके चले जाओगे। ठीक है, अपने चैनल का नाम थोड़ा सा बदलने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि आपका चैनल का नाम यूनिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको और इंगेजिंग आप बना सकते हो। ठीक है, तो SR आदिवासी MP जी, आप रेगुलर काम कर रहे हो? ले अरे कहाँ रेगुलर कर रहे हो यार, एक दिन पहले डाली वीडियो, दो दिन पहले डाली, 13 दिन पहले डाली, क्या कर रहे हो भाई? हैं, ऐसे नहीं करना भाई। बताओ, आपके माई फर्स्ट ब्लॉग पे अच्छे खासे व्यूज़ भी आए, उसके बाद भी आप इस तरह की शीशा लेदर कर रहे हो, ये ना करो यार। ठीक है, अच्छे से काम करो, रोज़ वीडियो डालो, रोज़। या तो यूट्यूब पे आए हो तो ये सोच लो पहले से कि हमको साले का रोज़ काम करना है, साफ सी बात बता रहे हैं। ठीक है ना, और नहीं तो फिर आओ हिम्मत छोड़ ही दो इस चीज़ को, क्योंकि देखो जो काम आपको करना है तो उसको सही से करो, वरना मत करो, साफ सी एक बात है। अब आप उसको कर भी रहे हो, सही से भी नहीं कर रहे हो, और फिर ये भी एक्सपेक्ट करते हो कि हमारा चैनल वायरल हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब आप किसी भी तरफ आप सही से काम करते हो तो ही चीज़ें अच्छी होती हैं। अब देखो इसी में शॉर्ट भी घुसेड़े दे रहे हो, हद है यार, शॉर्ट अगर डाल अब वो भी देख, अरे यार क्या कर रहे हो यार, हैं, देखो क्या कर रहे हो, कहीं के किसी के भी वीडियो डाले दे रहे हो। पहली चीज, शॉर्ट और लॉन्ग को एक साथ मिक्स मत करो। आप लोग पता है कंफ्यूज हो जाते हो, आप लोग सोचते हो बड़े चैनल्स में तो शॉर्ट भी होता है तो हम भी शॉर्ट डालेंगे, गलती करते हो यार। बड़े चैनल बहुत बड़े हो गए हैं, वो पता है कुछ भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन हम लोग कुछ भी डालेंगे तो नहीं चलेगा, याद रखना। ठीक है, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आप थोड़ा सा अपना अबाउट सेक्शन सही करो। ठीक है, और मैं अभी आपका थोड़ा वो देख लेता हूँ, गाना लगाया यार, कॉपीराइट हमरे मना आ जाएगा, तो एक मिनट रुक जाओ। अरे भैया, अरे तुम कॉपीराइट दवा दे, हम कल आ गए थे यार। हाय दोस्तों, एक मिनट देखें, जय जोहार सभी दोस्तों का जी। दोस्तों आज कथा व्लॉग चालू कर रहा हूँ, फर्स्ट व्लॉग छे। अगर वीडियो तुम्हारा अगर लगता है तुम का दे लाइक भी कर दे। भाई साहब, थोड़ा बोलने का जो आपका तरीका है ऐसा नहीं करो कि खराब है, थोड़ा सा और अच्छा करो। ठीक है, क्योंकि देखो पब्लिक रुक नहीं पाएगी आपके वीडियो में अभी फिलहाल। ठीक है, तो आप कोशिश करो और अच्छे से बोलने की, प्रैक्टिस करो। मैंने अभी वीडियो डाला है, मैंने आपको बताया भी वीडियो डाल करके कि आप लोग इकट्ठा जाते हो और तुरंत वीडियो बनाना चालू कर देते हो, तो तुरंत वीडियो नहीं बनाना, थोड़ा रुकना है, पहले दो बार प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस किए अगर आप किसी काम को करोगे तो सही से नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, अभी मैं आपके देखो भाई, मतलब ये कॉमन गलती मैं देख रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन आप लोग डाल ही नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो यार, हैं, बताओ ये हाल है। टैग देखता हूँ क्या किया आपने टैग में। अरे यार हद किए हो यार, मान गए भाई, मतलब ना कोई टैग है ना कोई डिस्क्रिप्शन है और एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि वीडियो वायरल हो जाएगा, कैसे कर रहे हो यार, हैं, ज़्यादातर सब ऐसे ही काम कर रहा हो मुझे लग रहा है। बताओ आप खुद सोचो, मैं अरे देखिए, अरे कॉपीराइट से तो डर लगता है, इसमें भी देखो ना गड़बड़ है यार भाई, ऐसा नहीं चलेगा, डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिखाऊंगा कैसे लिखना है डिस्क्रिप्शन, बिना डिस्क्रिप्शन के कैसे वीडियो वायरल करोगे, हैं, ना टैग है ना डिस्क्रिप्शन है, देख रहा हूँ टैग इसमें पड़ा है कि नहीं पड़ा आपके, देखो टैग है नहीं है कोई, कैसे यूट्यूब को पता चलेगा कहाँ भेजना है वीडियो, पतला अमेरिका भेज दिया है,
टारगेट ऑडियंस चाहिए ना आपको, तो उसके लिए आपको टैग डालने पड़ेंगे ना। यूट्यूब को कैसे पता चलेगा आपका जो वीडियो किस टॉपिक पे है, तभी तो व्यूज नहीं है भाई। ठीक है एसआर आदिवासी जी, ध्यान दीजिए, काम करिए चैनल पे, ठीक है। हाँ बिना काम किए काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो मैंने आज के वीडियो में तीन चैनल को अच्छे से देखा, और आप लोग जिनके चैनल नहीं देख पाया हूँ, आप लोग चैनल पे एक्टिव रहिए, वीडियो पे कमेंट करते रहिए, और अगला जो मैं सैटरडे को वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसी गलतियाँ कर रहे हो। बाकी इस वीडियो से तो आपको सीखने को मिला ही होगा कि क्या गलतियाँ नहीं करनी, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो भाई देखिए आज का वीडियो समाप्त करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए तीन चैनल के बारे में, तो देखिए मैंने तीन चैनल के बारे में आपको बोला था कि तीन चैनल में हर सैटरडे को चेक करूंगा, तो तीन चैनल मैंने आज चेक कर लिए। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो में काफी ज्यादा मजा आया होगा, काफी ज्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इसी कमेंट के थ्रू मैं आपके चैनल पर जाकर के आपके चैनल को चेक करता हूं कि आप कैसी गलतियां कर रहे हो, या फिर आगे चल के आप कोई गलतियां ना करो, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। एक बात और सुन लो भाई, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है बाय।